समझ रहे हैं बात? तो ये कैपिटलिज्म, तो देते हैं आपको डिजिट्स और नंबर्स, लेते हैं रियल मनी, और आप जब बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है तो बोलते ठीक है आपका टेलीफोन सेक्टर हमको दे दो, प्राइवेटाइजेशन, हम लोग चलाएंगे। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी दे दो, प्राइवेटाइजेशन, हम चलाते ना, तुमको नहीं होता, हमने तो ले लिया, IMF से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, फेडरल बैंक, फेडरल रिजर्व से ले लिया लाखों करोड़, अब रिटर्न करना नहीं है हमारे पास रियल करेंसी, तो बोलते आपका कोल रिजर्व दे दो, मतलब हम आपका कोयला निकाल कर लोगों को देंगे, तो आप प्राइवेटाइज, उनके कंपनी आके यहाँ बैठती है। प्राइवेटाइजेशन जब होता है तो आदमी वापस से भी गुलामी के दौर में चला जाता है जिससे निकल कर आया था, और हर बच्चा पैदा होने वाला पैदाइशी मखरूज होता है, मालूम आपको, हर अमरीकन जो पैदा होता है वो दो दो और तीन तीन नस्लों तक पैदाइशी मखरूज है, वो मतलब आने वाली तीन नस्लें उसका, उसको बोलते हैं नेशनल डेप्थ, कभी देखा आपने वो नेशनल डेप्थ, अमेरिकन नेशनल डेप्थ का एक न्यूमेरिकल मीटर लगा हुआ है, मालूम आपको मीटर है वहाँ, आप उसको नेट पे देखिए नेशनल डेप्थ क्या चल रही है अमेरिका की, तो डेली कितना इन्फ्लेट होता मनी वो बताते रहता, कितना उधार ले रहा है अमेरिका, किससे ले रहा है उधार, बैंकों से, मालूम। तो बहरहाल, तो आप बैंकिंग में समझता उसकी